सबसे पहली चीज आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमने डिस्कस की थी. हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है ईएमएफ की ई इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, तो उस केस में आप इसे कंपेयर करेंगे विद ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. यहाँ से कंपेयर करके किसकी वैल्यू आएगी, ई नॉट की. ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज. और यहाँ से अगर ई आरएमएस निकालना है तो ई नॉट बाई रूट टू करके आप क्या करेंगे, 5/√2 आंसर आएगा. तो ये स्टेप हमने किया. ठीक उसी तरीके से अगर आपको ईएमएफ 5 × cos ऑफ ओमेगा टी गिवन हो तो भी यही करना है. ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी के साथ कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करके ई नॉट फिर से क्या जाएगा, 5. और ई आरएमएस की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट बाय रूट टू, यानी कि 5/√2. मतलब अगर कॉस है तो कॉस के साथ कंपेयर, साइन है तो साइन के साथ कंपेयर. लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा, ई की वैल्यू इज 3 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 4 cos ऑफ ओमेगा टी, ऐसे. तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें साइन भी है और इसमें कॉस भी है. इसको इसकी अगर मैं पूछूं कि ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ, या फिर इसके क्या बोलते हैं, वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू. तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ई नॉट. क्लियर है यहां तक? तो इसको करने के लिए एक चैप्टर होता था प्लस वन में जिसका नाम क्या है, एसएचएम. एसएचएम में आपको इतना तो याद होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट की जैसे इक्वेशन लिखते थे 5 sin ωt, तो 5 क्या होता था, एम्पलीट्यूड, है ना. 5 क्या होता था, एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसी था. फिर आपको अगर इक्वेशन ऐसे गिवन होती थी 3 sin ωt प्लस 4 cos ऑफ ओमेगा टी, तो उस केस में हम क्या करते थे, क्योंकि 3 is amplitude, 4 is amplitude, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होती है और साइन और कॉस में फेज डिफरेंस π/2 होता है. तो हम क्या करते थे, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालते थे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos ऑफ कितना, 90. तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5. ये आंसर है. तो एक शॉर्टकट किया करते थे, शॉर्टकट ये था, आपको अगर साइन और कॉस दोनों गिवन हो तो आप कुछ ना करें, वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, आंसर आ जाएगा 5. सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है. अगर इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करें वोल्टेजेस को, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो बोलो शॉर्टकट क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो 5 वोल्ट आपके पास आंसर आएगा. शॉर्टकट याद रहेगा या आएगा पेपर में, तो साइन और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर कर देना है. क्लियर है यहाँ तक? तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 5. तो अगर ई आरएमएस निकालना हो तो क्या करेंगे, 5/√2 वोल्ट इज द आंसर. ठीक है यहां तक? तो आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सॉल्व. तो ये आपकी शीट नंबर 88 में लिखा हुआ है. जैसे E1 है, E2 है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ E1 square और E2 square. तो ई आरएमएस क्या होगा, E0/√2, तो E0/√2 इज द आंसर. जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 3 और 4 में एसएचएम का क्वेश्चन, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 5, मैंने बता दिया. Y = 5 sin ωt में 5 क्या है, एम्पलीट्यूड. I = 5 sin ωt में एम्पलीट्यूड क्या है, I नॉट का मतलब Imax. IRMS कैन बी कैलकुलेटेड. अब ये क्वेश्चन आ गया, I = 3 + 5 sin ωt, वो कह रहे हैं IRMS निकालो फ्रॉम 0 से t time तक. तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट टाइम के साथ हर इंस्टेंट पर क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज. तो आपको डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी IRMS की. बेसिक डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ I² dt 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t का अंडर रूट. ये किया था, I की वैल्यू पूरी की उठा के यहां पर पुट कर देंगे, ये री डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t.
तो इसके अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 9 कॉन्स्टेंट आ गया 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 25 कॉन्स्टेंट आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 30 बाहर आ गया इसकी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई टी। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन बाई डिफॉल्ट याद करवाई थी टी बाई टू, और साइन की याद करवाई थी जीरो, इसको जीरो इसको टी बाई टू पुट करो, टी 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 कैंसल आंसर। तो यानी कि कोई भी टाइम के साथ चेंजिंग करंट आ जाए और आरएमएस करंट निकालना हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से ये हमने कर लिया था, ये देखो मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। देखो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलती है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो साइन वेव है तो हमें आंसर याद है, यहां पर साइन वेव है ही नहीं, यहां तो वेव फॉर्म ऐसी है कि चली नीचे आ गई, फिर वेव फॉर्म चली नीचे आ गई, तो पैटर्न ऐसे रिपीट कर रहा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला यूज करें, मीन करंट इज टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। एक वेव पल्स ले लें जो रिपीट हो रही है, एक ये ले लें बस। चार्ज कैसे निकालते थे, करंट और टाइम का एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आई नॉट इन टू टी बाई टू, और ट्राइंगल का एरिया हाफ इन टू आई नॉट, ये नॉट है, आई नॉट इन टू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना है टी। सॉल्व करेंगे तो अपने आप कौन सा करंट आएगा, एवरेज करंट आ जाएगा। तो एवरेज करंट क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है ओनली फॉर नॉन मेडिकल, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई नीट नहीं, ओनली फॉर नॉन मेडिकल मेंस के लिए। तो आपको पैटर्न ऐसा रिपीट हो रहा है वोल्टेज और टाइम का, देख रहे हो ये ऊपर जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन, और आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता है एक ही है, वी स्क्वायर डीटी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीटी का अंडर रूट। अब v टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसका फॉर्मूला तो हमें गिवन नहीं है, अब हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे मैथ्स की हेल्प से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस में v चल रहा है, x एक्सिस में टाइम चल रहा है, स्लोप निकालेंगे टैन थीटा से, मैथ्स वालों को आती है, और इंटरसेप्ट क्या है, माइनस वी नॉट। तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, इस पूरे वी को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, होल स्क्वायर आएगा, अपनी मैथ्स की इंटीग्रेशन लगाना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटीग्रेट करना और आंसर आएगा। मेडिकल वालों को और एनसीईआरटी वालों को नहीं करना है, सिर्फ नॉन मेडिकल वालों को पता है इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो कर लेंगे।